हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज का चैनल। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री। देखिए गाइस, ज्योमेट्री एडवांस मैथ्स का एक टॉपिक होता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है। रीज़न, क्योंकि ये काफ़ी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ऐसा नहीं हो सकता कि ज्योमेट्री का एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको ना मिले। अब बात यह आती है गाइस कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स को ज्योमेट्री काफ़ी टफ भी लगता है। उसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि ज्योमेट्री सच में टफ है, बट मेन रीज़न ये है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री इज़ ऑल अबाउट कंसेप्ट। यदि हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो ज्योमेट्री काफ़ी आसान है और हम चुटकियों में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इस सीरीज़ में गाइज, हम सबसे पहले कुछ वीडियोज़ में ज्योमेट्री के अलग अलग फिगर्स, जैसे लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स और अलग तरह के पॉलीगन्स के रूल्स पढ़ने वाले हैं, रेगुलेशंस पढ़ने वाले हैं, और उन रूल्स पर, कंसेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम आगे आने वाली वीडियोस में करते रहेंगे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स। देखिए गाइस, ज्योमेट्री की स्टार्ट एक पॉइंट से होता है। जब वैसे बहुत सारे पॉइंट्स आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जो कि लाइन कहलाता है। लाइन में, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, लाइन का एक एग्जांपल दिया हुआ है। मैंने मिनिमम दो पॉइंट लिए हुए हैं और इन पॉइंट से पास होकर ये जो स्ट्रक्चर जा रहा है, दिस इज व्हाट कॉल्ड लाइन। अब यदि मैं इसमें से दो फिक्स पॉइंट ले लूँ, अभी इनके दोनों पॉइंट फिक्स नहीं, अब यहाँ से यदि मैं दो फिक्स पॉइंट ले लूँ, एक ए और एक बी, तो ये क्या कहलाएंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर का एक पार्ट कहलाएंगे ना, सेगमेंट कहलाएंगे। तो जी हाँ, ये लाइन है और ये लाइन का एक सेगमेंट निकल आता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है गाइज, रे। रे क्या होता है, हमने एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट को आगे हम एक्सटेंड करते जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, एक पॉइंट तो फिक्स है लेकिन आगे का पॉइंट फिक्स नहीं है, तो इस स्ट्रक्चर को हम रे बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेन तीन कंसेप्ट हैं जो लाइन के बारे में आपको याद रखने, इससे ज्यादा लाइन में कुछ होता नहीं है, लेकिन लाइन की एप्लीकेशन जो हम यूज करते हैं एंगल्स में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंगल से। अब बात करें हम एंगल की, तो एंगल होता क्या है और ये बनता कैसे। देखिए गाइस, जब एक लाइन होती है, ये मानिए एक लाइन है, ये लाइन अभी कोई एंगल फॉर्म नहीं कर रही, लेकिन जैसे ही ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करेगी, तो उस मेजर को हम एंगल बोलते हैं। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि एंगल इज द डिग्री ऑफ रोटेशन, एंगल इज द डिग्री ऑफ रोटेशन। चलिए इसी ऑर्डर में हम आगे बढ़ते हैं और एंगल्स के टाइप देखते हैं। तो देखिए, एंगल के बेसिकली हमें तीन टाइप पता होने चाहिए। पहला होता है एक्यूट एंगल, दूसरा होता है राइट एंगल और तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल वो होता है जिसकी वैल्यू 90 से कम होती है। एक्यूट एंगल की वैल्यू 90 से कम होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर। इसके बाद हम बात करें राइट एंगल, तो राइट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री होती है। यहाँ पर वैल्यू आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट 90 डिग्री है। और अब हम बात करें ऑब्ट्यूस एंगल की, तो ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा होता है। 90 से बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा होता है। इसके अलावा हम दो एंगल्स की और बात करेंगे। ये हमारा स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल या लीनियर एंगल भी बोल सकते हैं हम इसको। ये 180 डिग्री का होता है। जब एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो स्ट्रेट लाइन पर हम कोई भी पॉइंट ले लें, तो उससे जो एंगल बनता है वो स्ट्रेट लाइन एंगल कहलाता है, जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। एंड द नेक्स्ट एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। अभी रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो देखिए, अभी तक हम सारे वो एंगल्स फाइंड करते आ रहे हैं कि जब दो लाइन ज्वाइन करती हैं तो उनके एक वर्टेक्स पर जो एंगल बनता है, इंटीरियर एंगल, इसको तो हम डिस्कस कर लेते हैं। अदर देन इंटीरियर एंगल जो होता है, जो बाहर की तरफ बनता है, ये कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। अभी रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 360 में से जब हम इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इंटीरियर एंगल वाली वैल्यू को, तो जो एंगल बचेगा वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। अब हम कुछ टाइप पढ़ने वाले एंगल की पेयरिंग पर बेस्ड। अभी तक हमने जितने भी टाइप देखे वो सिंगल एंगल पर बेस्ड थे, अब हम जो टाइप पढ़ने वाले हैं वो एंगल की पेयरिंग पर बेस्ड होते हैं। तो इसमें सबसे कॉमन दो एंगल हमें याद रखने होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल एंड सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल कब बनता है, देखिए इमेजिन कीजिए ए ओ बी एक एंगल है जो कि 90 डिग्री का एंगल रहा होगा इनिशियली। इसे एक रे टू पार्ट में डिवाइड करती है एंड द पार्ट्स आर एक्स एंड वाई नेमली। ये जो पार्ट है उनके नेम हमने एक्स एंड वाई दिए गए हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि ए ओ बी एक 90 डिग्री का एंगल था और इसे दो भाग में विभाजित किया गया था, डिवाइड किया गया था एक्स और वाई के फॉर्म में।
तो जो x और y का सम होगा वो 90 अंश होगा, तो ये जो एंगल कहलाएंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहलाएंगे। तो इस समय ये निष्कर्ष निकलता है, ये कंक्लूजन निकलता है कि जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल कहलाते हैं। जैसे 45 45 अंश, 60 और 30 अंश, 70 और 20 अंश, इस तरह के एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है ये क्या कहलाते हैं गाइज, हमारे सब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कहलाते हैं। अब हम बात करें सप्लीमेंट्री पेयर्स की, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन ए ओ बी एक स्ट्रेट एंगल है। अब हमें पता है स्ट्रेट एंगल का सम, तो स्ट्रेट एंगल की जो मेजरमेंट वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। अब हमने वापस से क्या किया, एक लाइन ली जो लाइन इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रही थी, अगेन नेमली एक्स एंड वाई। तो ये एक्स और वाई 180 डिग्री के डिवाइडेड पार्ट है, तो इनका सम भी कितना होने वाला है, 180 डिग्री। तो वही हमने नीचे लिखा हुआ है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री पेयर्स कहलाते हैं। एंगल विद द सम 180 डिग्री आर नोन एज सप्लीमेंट्री पेयर। तो ये हमारे पेयरिंग ऑफ एंगल पर बेस्ड कुछ कंसेप्ट है। चलिए अब गाइस हम ऐसे ही एक पेयर में समझते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, अब लीनियर पेयर क्या होते हैं, देखिए इमेजिन कीजिए आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है ए ओ बी, और एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल फॉर्म हुए हैं एक्स एंड वाई। तो यदि इन एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो ये लीनियर पेयर कहलाएंगे, या फिर दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। अब इस एग्जांपल को देखकर हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि ये तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि सप्लीमेंट्री पेयर्स भी होते हैं। तो फिर देखिए गाइस, सप्लीमेंट्री पेयर्स बिल्कुल यही होते हैं कि यदि एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बने हो जिन दोनों का सम 180 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कहलाते हैं, और उन्हें हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन लीनियर पेयर्स की एप्लीकेशन यहां पर काम आती है कि यदि स्ट्रेट लाइन पर एक से ज्यादा एंगल भी बने हैं जिनका सम 180 डिग्री है तब भी ये लीनियर पेयर ही कहलाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में सिर्फ दो एंगल होते हैं, बट लीनियर पेयर में टू और मोर देन टू एंगल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। हमने दो एंगल्स का भी एग्जांपल देखा है और हमने तीन एंगल्स का भी एग्जांपल देखा है। चलिए गाइस, अब हम अपना अगला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि कंसेप्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखिए गाइस, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। इमेजिन कीजिए दो लाइन है जो एक दूसरे को, एक पॉइंट ओ है जिस पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये दो लाइन है ए बी और सी डी, ये एक पॉइंट ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इस केस में कुछ एंगल्स बनते हैं, देखिए ये एंगल, इसे हम एंगल वन देते हैं, और ये एंगल, इसे हम एंगल टू देते हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, और वन और टू आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब यदि ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये 45 डिग्री का एंगल है तो ये भी 45 डिग्री का एंगल होगा। यदि हम बात करें इसी प्रकार अगले दो एंगल्स की, तो ये एंगल थ्री और ये एंगल फोर, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये भी आपस में इक्वल होंगे, अर्थात एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल फोर होगा। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पर, तो उस समय जो अपोजिट एंगल बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं और वो आपस में इक्वल होते हैं। दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो दो पेयर बनाती हैं जिसमें चार एंगल होते हैं, और वो दो दो के जोड़े में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। हमारा अगला कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ ट्रांसवर्सल। अब ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे आपको अच्छे से समझना चाहिए। अब ये ट्रांसवर्सल क्या होता है दोस्तों, अब ये ट्रांसवर्सल क्या होता है, तो हम एक केस समझते हैं। हमने एक लाइन ली, ये लाइन हमारी एक्स वाई, और हमारी एक और लाइन है जो कि है वाई जेड, एक्स वाई और जेड के ले लेते हैं हम इसे, और इसे एक लाइन
डिवाइड कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जरूरी नहीं है कि डिवाइड ही करे, इंटरसेक्ट भी कर सकती है। तो अब देखिए गाइज, एक्स और वाई दो पैरेलल लाइन है और उसे एक लाइन इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, तो इस सिस्टम को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। और ट्रांसवर्सल में कुछ एंगल्स बनते हैं। अब उन एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, उन्हें हम समझते हैं। तो देखिए पहले एंगल कौन कौन से बनते हैं, उन्हें हम नंबरिंग दे देते हैं। ये है एंगल वन, ये है एंगल टू, ये है एंगल थ्री और ये है एंगल फोर। इसी तरह यहाँ पर एंगल होगा ये फाइव, ये एंगल होगा सिक्स, ये एंगल होगा सेवन और ये एंगल होगा एट। अब इसमें कुछ पेयर ऑफ एंगल होते हैं जो हमें पता करने होंगे, जो कि आपस में इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम समझ सकते हैं कि कुछ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, जैसे कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो एंगल थ्री और एंगल फोर आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जो मैं बोल रहा हूँ गाइस वो आप लिखते जाइए, क्योंकि यहाँ मैं लिखूंगा नहीं, इन चीज़ों को मैं प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इन्हें अपनी कॉपी में लिखते जाएं। एंगल वन और एंगल थ्री आपस में इक्वल है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी तरह एंगल टू और एंगल फोर भी आपस में इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है गाइस, यदि हम नीचे देखें तो यहाँ पर एंगल फाइव और एंगल सेवन, एंगल फाइव और एंगल सेवन वर्टिकली अपोजिट एंगल है अतः ये इक्वल होंगे। इसी प्रकार एंगल एट और एंगल सिक्स भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये आपस में इक्वल होंगे। अब हम बात करते हैं, एक तो हो गई वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात, अब हम बात करें इंटीरियर एंगल्स की। तो देखिए जरा इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं। ये जो अंदर की तरफ एंगल बने हैं, एंगल फोर फाइव थ्री और सिक्स, ये अंदर की तरफ एंगल बने इसीलिए हम इन्हें इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं है ऐसा कि ये इक्वल हैं कुछ। और वन टू एट और सेवन, वन टू सेवन और एट, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। अब हम बात करें कुछ और इक्वल एंगल्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो देखिए गाइस, ये इस लाइन की ऊपर की तरफ बना हुआ एंगल वन, तो दूसरी लाइन में ऊपर की तरफ बना हुआ एंगल फाइव है, तो एंगल वन और एंगल फाइव आपस में इक्वल होते हैं जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह एंगल टू और एंगल सिक्स भी इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल थ्री और एंगल सेवन भी इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल फाइव और एंगल एट भी इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो यदि हम बात करें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की, तो एंगल वन एक एक्सटीरियर एंगल है और एंगल एट एक एक्सटीरियर एंगल है और ये आपस में इक्वल होते हैं। वन और एट आपस में इक्वल होंगे, टू और सेवन आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करें, तो एंगल थ्री और एंगल फाइव इक्वल होंगे आपस में, एंगल फोर और एंगल सिक्स इक्वल होंगे आपस में। ठीक है, ये कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल थ्री और एंगल फाइव इक्वल होंगे, एंगल सिक्स और एंगल सेवन इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें मैं लिख भी देता हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसमें पेयर में दो होंगे, एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल फाइव एंड एंगल फोर इक्वल्स टू एंगल सिक्स इक्वल होंगे। साथ में आपको एक और चीज याद रखनी है यहाँ पर कि ये एक पैरेलल लाइन है और इन्हीं एक लाइन काट रही है, तो जब भी दो पैरेलल लाइन होंगी और उन पर दो अंदर की तरफ जो एंगल बनेंगे इंटीरियर एंगल, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एंगल फोर और एंगल फाइव का सम 180 डिग्री होगा, ये हमें याद रखना होगा। जब भी दो पैरेलल लाइन होंगी और उनको एक लाइन कट करेगी, तो उनसे जो अंदर की तरफ जो एंगल बनेंगे इंटीरियर एंगल्स, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। इसी तरह एंगल थ्री और एंगल सिक्स का सम भी 180 डिग्री होगा, एंगल थ्री और एंगल सिक्स का सम भी 180 डिग्री होगा। तो गाइज ये थे लाइन और एंगल से रिलेटेड सारे कंसेप्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।